जिसे हम क्या कर सकते हैं ट्रेल ड्रॉ कर सकते हैं जैसे जैसे स्प्राइट मूव करता है स्टेज पे तो उससे क्या होती है उसके उसके साथ ट्रेल ड्रॉ होती है सो वो ब्लॉक होता है पेन का नेक्स्ट इज डैश इज द प्लेस वर वी पिक एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट वो कौन सा प्लेस होता है जहाँ पर हम ब्लॉक्स को पिक करते हैं ड्रॉप करते हैं और स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं दैट एरिया इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया नेक्स्ट डैश डिस्प्ले इज़ द थमनेल्स ऑफ ऑल द स्प्राइट्स यूज इन अ प्रोजेक्ट जो भी हम स्प्राइट्स प्रोजेक्ट uh, में यूज करते हैं उसका जो डिस्प्ले होता है थमनेल्स uh, की फॉर्म में जो डिस्प्ले होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्प्राइट लिस्ट नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट डेटामाइन द हॉरिजेंटल लोकेशन जो एक्स कोर्डिनेट है वो हमें हॉरिजेंटल लोकेशन डेटामाइन करता है स्प्राइट का एंड वैल्यू वाई कोर्डिनेट एटमाइज द वर्टिकल लोकेशन और हाइट नेक्स्ट इज ट्र फॉल्स सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द स्प्राइट हम स्प्राइट का नेम चेंज नहीं कर सकते हैं ये फॉल्स है बिकॉज वी कैन चेंज द नेम ऑफ द स्प्राइट द सेकेंड इज स्टेज इज द मेन वर्किंग एरिया वेर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म एक्शन जो स्टेज है वो क्या है मेन वर्किंग एरिया है जहाँ पे स्प्राइट मूव करता है और एक्शंस को परफॉर्म करता है सो दिस इज ऑब्सिलट्री ट्रू नेक्स्ट इज इफ द पेन शेड इज़ जीरो देन द पेन कलर विल बी क्लोजर टू वाइट अगर पेन शेड जीरो है तो पेन कलर किसके क्लोजर है वाइट के क्लोजर है दिस इज़ फॉल्स अगर पेन का शेड जीरो है तो वो डार्क के क्लोजर है मतलब कि जो पेन कलर होगा वो डार्क होगा ब्लैक के क्लोजर होगा The next is this scratch stage is 480 pixels wide and 360 pixels high. This is true. Next is view full screen button is present on, on the top right corner of the stage. This is false, children. Next is paint editor window allows us to create a no sprite on the stage. Jo paint window uh, jo paint editor window hai wo hame अलाउ करती है कि हम एक नया स्प्राइट क्रिएट कर पाए स्टेज के ऊपर सो दिस इज ट्रू नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कृतिका इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच कृतिका प्रोजेक्ट बना रही है स्क्रैच पर शी वॉन्ट्स टू क्रिएट अ न्यू स्प्राइट इन हर प्रोजेक्ट और उसे क्या करना है एक न्यू स्प्राइट को क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट में सजेस्ट हर मैथड टू टू डू द सेम तो वो कौन से मैथड का यूज कर, कर सकती है शी शुड क्लिक ऑन न्यू स्प्राइट बटन एंड सेलेक्ट द स्प्राइट शी वॉन्ट उसे क्या करना चाहिए न्यू स्प्राइट बटन पे क्लिक करना चाहिए और जो वो स्प्राइट सेलेक्ट करना चाहती है तो वहाँ से वो क्या कर सकती है स्प्राइट को सेलेक्ट कर सकती है नेक्स्ट इज राहुल लव्स टू प्ले गिटार वाई वर्किंग ऑन ए स्क्रैच प्रोजेक्ट ही वॉन्ट्स टू प्ले द साउंड ऑफ अ गिटार हेल्प हिम सजेस्टिंग द अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू डू द सेम राहुल क्या है गिटार uh, प्ले करना बहुत पसंद करता है सो so, वो क्या कर रहा है स्क्रैच में प्रोजेक्ट बना रहा है जहाँ पे वो क्या है गिटार के साउंड को प्ले करना चाहता है तो हमें उसको अप्रोप्रिएट सजेशन uh, देना है सो so, उसे क्या करना चाहिए ही शुड क्लिक ऑन साउंड बटन उसे साउंड बटन पे क्लिक करना चाहिए एंड सिलेक्ट गिटार साउंड फ्रॉम द साउंड लाइब्रेरी उस साउंड लाइब्रेरी में से उसे साउंड uh, जो गिटार साउंड है उसे सिलेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पी क्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम दुक्स डेट डिस प्लेज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्लॉक वेन यू क्लिक सो वो कौन सा ब्लॉक है जहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आता है पर्टिकुलर ब्लॉक के बारे में तो वो बुक्स होता है कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन गिवन टू अर स्प्राइट इज नॉन ए स्क्रिप्ट जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम स्प्राइट को देते हैं उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं डैश बटन इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट बटन होता है जिससे स्प्राइट का साइज इंक्रीज होता है ग्रो बटन नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेज रेंजेस फ्रॉम जो वाई कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होती है वो किसमें किस में लाई करती है वन एटी टू माइनस वन एटी टू रिकॉर्ड आर ऑन साउंड इन अ प्रोजेक्ट वी नीड अ माइक्रोफोन अटैच टू आर कंप्यूटर सिस्टम अगर हमें हमारे खुद की जो साउंड है वो रिकॉर्ड करनी है तो हमें क्या चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रोफोन चाहिए देयर आर ट्वेंटी वन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू चूज़ फ्रॉम द साउंड ब्लॉक हमारे पास साउंड ब्लॉक में ट्वेंटी वन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज नेम द ब्लॉक दैट मेक्स दिस फ्राइड डिसअपियर फ्रॉम द स्टेज सो वो कौन सा ब्लॉक है जिससे जो स्प्राइट है वो स्टेज से डिसपेयर हो जाता है सो द आंसर इज हाइड ब्लॉक नेक्स्ट इज आंसर द फ्लॉइन वट इज स्क्रैच एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ स्क्रैच स्क्रैच क्या होता है और उसका मेन फीचर क्या है हम वो रीड करेंगे स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट इज़ यूज टू क्रिएट गेम्स एनिमेटेड स्टोरीज एंड प्रोजेक्ट्स इससे हम गेम्स एनिमेटेड स्टोरीज और प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं द मेन फीचर ऑफ़ स्क्रैच आ स्क्रैच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रैच क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होता है नेक्स्ट इज इट इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग बाय प्रोवाइडिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और इससे क्या होता है हमें इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चे ठीक है प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है क्योंकि इसमें क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है नेक्स्ट इज व्हाट डज द स्क्रैच इन्फोपेन डिस्प्ले जो स्क्रैच इन्फोपेन है वो क्या डिस्प्ले करता है द स्क्रैच इन्फोपेन डिस्प्ले द स्प्राइट इन्फोपेन स्क्रैच इन्फोपेन और स्प्राइट इन्फोपेन एक ही बात है बच्चे इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड स्प्राइट एज वेल एज फ्यू टूल्स फॉर मैन्युपुलेटिंग द स्प्राइट इससे हमें क्या मिलती है जो हमने स्प्राइट सेलेक्ट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें टूल्स के बारे में पता चलता है जिससे हम स्प्राइट को मैनुपुलेट कर सकते हैं जिसमें हम स्प्राइट में चेंजिंग कर सकते हैं वट डू यू अंडरस्टैंड बाई बैकड्रॉप बैकड्रॉप क्या होता है अ बैकड्रॉप इज़ यूज टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज अगर हमें स्टेज का बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं बैकड्रॉप का यूज़ करते हैं वी कैन इधर क्रिएट आर ओन बैकड्रॉप और चूज़ एनी बैकड्रॉप फ्रॉम द अवेलेबल इन ऑप्शन या तो हम खुद का बैकड्रॉप भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो हमारे पास स्क्रैच में अवेलेबल है इन ऑप्शन हैं पहले से जो हमें प्रोवाइडेड है हम उसमें से भी बैकड्रॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज वट इज द पर्पज ऑफ़ द स्क्रिप्ट एरिया स्क्रिप्ट एरिया का क्या परपज है द स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस वे वी पिक एंड ड्रॉप द ब्लॉग टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एरिया क्या है एक प्लेस है जहाँ पर हम ब्लॉग्स को पिक करते हैं ड्रॉप करते हैं स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं और इसका पर्पज क्या है चिल्ड्रेन कि हम क्या कर सकें स्प्राइट को इंस्ट्रक्शंस दे सकें नेक्स्ट इज लिस्ट द नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक मेन्यूज गिवन अंडर ब्लॉक मेन्यू ब्लॉक मेन्यू में कौन कौन से डिफरेंट ब्लॉक्स हैं चिल्ड्रेन मोशन ब्लॉक लुक्स ब्लॉक पैन ब्लॉक कंट्रोल ब्लॉक डेटा ब्लॉक ओके नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस कर्सर टूल्स कर्सर टूल्स कौन से होते हैं डुप्लीकेट डिलीट ग्रो ओके दीज आर कर्सर टूल्स ओके सो यू हैव टू लर्न दिस लेसन प्रॉपरली ओके और आपको अच्छे से टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है बाय चिल्ड्रन हैव अ नाइस डे